कृषि कानूनों के खिलाफ जहां किसान एकजुट है, वहीं विपक्ष भी हरकत में आता नजर आ रहा है। विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब में खेती बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने खुद ट्रैक्टर चलाकर इस यात्रा का नेतृत्व किया। आंदोलन के समर्थन में उन्हें खुद ट्रैक्टर चलाते देख किसानों में उत्साह देखने को मिला। इस दौरान उनके साथ पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी मौजूद थे। दोनों नेता राहुल गांधी के अगल बगल बैठे नजर आए। इसके बाद यह रैली कुरुक्षेत्र में पहुंची, जहां उन्होंने अपना संबोधन दिया। पंजाब में ट्रैक्टर रैली के दौरान उन्होंने कहा कि कृषि संबंधी तीन काले कानूनों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कुछ खास पूंजीपतियों मित्रों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो तीनों कानून बनाए गए हैं, वो खाद्य सुरक्षा की मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश है। राहुल गांधी ने कहा कि इन कानूनों से पंजाब और हरियाणा के किसानों पर सबसे ज्यादा गहरा असर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तीन कृषि कानूनों के जरिए किसानों और मजदूरों को उसी तरह से खत्म कर रहे हैं, जैसे उन्होंने नोटबंदी और GST से छोटे दुकानदारों को तबाह कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि इन दुकानों के बजाय आज देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने और अधिक संख्या में मंडियां स्थापित करने की आवश्यकता है। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और किसानों को बुनियादी ढांचा मुहैया कराने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान काफी समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियां भी इन कानूनों के खिलाफ है। इसको लेकर पंजाब कांग्रेस की ओर से खेती बचाओ यात्रा निकाली जा रही है। बताते चले कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान काफी समय से विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियां भी इन कानूनों के खिलाफ है। इसको लेकर पंजाब कांग्रेस की ओर से खेती बचाओ यात्रा निकाली जा रही है। आज नरेंद्र मोदी ने, आज मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने, दुष्यंत चौटाला ने खेत और खलिहान पर हमला बोला, आज रोजी और रोटी पर हमला बोला। हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों और पिछड़े वर्गों के भाइयों, उनकी जिंदगी पर हमला बोला। अनाज मंडी अगर खत्म हो जाएगी, ना किसान बचेगा, ना कस्बे बचेंगे, ना शहर बचेंगे। कि कोई भी व्यक्ति, कोई कॉर्पोरेट, किसी भी किसान की अगर फसल खरीदेगा तो MSP से कम नहीं खरीदेगा, और कोई उसको MSP से कम खरीदेगा तो उसको सजा का प्रावधान कर दो। यही तो मांग है, यही कांग्रेस की मांग है। आज 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 MSP का क्या मामला है? आज किसान को धान की पूरी MSP नहीं मिल रही, आज किसान को मक्का की MSP नहीं मिल रही, रागी की नहीं मिल रही, सोयाबीन की नहीं मिल रही। जो मंडियों में आप राहुल जी जाएंगे, पता कर जाएंगे, पूछ रहे किसी को नहीं कि जो ये तीन काले कानून भारतीय जनता पार्टी ने बनाए, मोदी जी ने बनाए हैं, बिना किसानों से बातचीत किए, बिना मजदूरों से, आड़तियों से बातचीत किए, उन तीन काले कानूनों को हरियाणा की जनता, हरियाणा का किसान और मजदूर पूरी तरह से नाकार देगा। और ना केवल हरियाणा का किसान मजदूर, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते, कांग्रेस पार्टी की ओर से आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, जैसा कि सोनिया जी ने और राहुल जी ने निर्देश दिया है, हम तीनों इन काले कानूनों को निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे। 6 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। पिछले 6 सालों में इन्होंने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया। अब अगर कुछ नहीं किया होता और नुकसान नहीं किया होता तो फिर हम मान भी लेते कि ठीक है, कुछ किया नहीं मगर कुछ खराब भी नहीं। नोटबंदी की, नोटबंदी से किसको नुकसान हुआ? अंबानी को नुकसान हुआ, अदानी को नुकसान हुआ, अरबपतियों को नुकसान हुआ? उनको आपने लाइन में देखा? कोई खड़ा था बैंक के सामने? अदानी अंबानी खड़ा था? नहीं। कौन खड़े थे? आप लोग खड़े, हिंदुस्तान के किसान खड़े थे, मजदूर खड़े थे, युवा खड़े थे, मैं भी खड़ा था। आपका पैसा लिया, आपने अपने जेब से निकाला, आपको कहा कि भैया काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है,
देश ने बात मान ली, कहा हाँ भाई नरेंद्र मोदी ने काले धन के खिलाफ बात की है तो हम पैसा देंगे। आपने पूरा अपना पैसा निकाल के दे दिया, बैंक में डाल दिया। हुआ क्या, आपके पैसे को प्रयोग करके नरेंद्र मोदी जी ने उन्हीं अपने मित्रों का कर्जा माफ कर दिया, 3,50,000। सही बात है ना। अब बात वहां नहीं रुकी, उसके बाद क्या किया, जीएसटी लागू की 12 बजे रात को। कहते हैं एक टैक्स होगा, एक देश है एक टैक्स होगा, 5 अलग अलग टैक्स किए, 28% तक टैक्स लिया। आप जाइए, आज जाइए किसी भी दुकानदार से, किसी भी छोटे व्यापारी से पूछिए, भैया जीएसटी से फायदा हुआ नुकसान हुआ, आपको जवाब देगा नुकसान हुआ। उसके बाद कोरोना आता है, आपने टीवी पे देखा लाखों मजदूर घर की ओर चल रहे हैं, हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, प्यासे चल रहे हैं, भूखे चल रहे हैं। हमने नरेंद्र मोदी जी से कहा इनकी आप मदद कीजिए, इनको घर भेजिए, कहते नहीं करेंगे। हमने कहा इनको थोड़ा सा पैसा दे दीजिए बैंक अकाउंट में, न्याय योजना जैसे पैसा डाल दीजिए, नहीं डालेंगे। हिंदुस्तान को रोजगार कौन देता है, छोटे बिजनेस वाले देते हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले देते हैं। हमने नरेंद्र मोदी से कहा देखिए कोरोना आया है, जो छोटे बिजनेस चलाते हैं, मिडिल साइज बिजनेस चलाते हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनको मदद कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए, उनके बैंक अकाउंट पर पैसा डालिए, उनका कर्जा माफ कीजिए, नहीं करेंगे। कोरोना में ना किसानों की मदद की, ना मजदूरों की मदद की, ना व्यापारियों की मदद की, मगर लाखों करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ किया, टैक्स माफ किया और उनका कर्जा माफ किया। और अब कोरोना के समय किसान मजदूर और व्यापारी के टांग पर तीन कुल्हाड़ी, एक नहीं तीन बारी, 1, 2, 3। लक्ष्य क्या है, जो सिस्टम आपकी रक्षा करता है, जो सिस्टम देश को भोजन देता है, गारंटी करके भोजन देता है, MSP, फूड प्रोक्योरमेंट, मंडियों का सिस्टम, इसको अब नरेंद्र मोदी नष्ट करने में लगे। नरेंद्र मोदी कहते हैं किसान को मैंने आजाद कर दिया। ये जो सड़कें बनती हैं जिसपे किसान अपना चावल, अपना धान, गेहूं ले जाता है, ये अंबानी और अंबानी बनाते क्या, ये कैसे बनती है? किसान मंडी बोर्ड, मंडी टैक्स से बनती है। अगर आपने मंडी को खत्म कर दिया, जो नरेंद्र मोदी के 3 कानून कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं किसान कहीं भी बेच सकता है। अरे भैया किसान खेत के बाहर नहीं निकल पाएगा, सड़क नहीं होगी, कैसे जाके बेचेगा? नरेंद्र मोदी सोचते हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले 8,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज खरीदे, पता नहीं उनको लगता है कि शायद किसान हवाई जहाज में उड़ के जाएगा अपना धान बेचने, नहीं ऐसे नहीं होगा। किसान अपने खेत में के सामने अपना माल बेचेगा, मगर छोटे व्यापारी को नहीं, मंडी में नहीं, अंबानी और अदानी को। और जब किसान अंबानी और अदानी को बेचेगा, किसान उन दोनों के सामने नहीं खड़ा होगा। आज मंडी में आप माल बेचते हो, अलग अलग व्यापारी होते हैं, आप इधर जा सकते हो, उधर जा सकते हो, कोई झगड़ा हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा सकते हो, पुलिस वालों के पास जा सकते हो, अफसरों के पास जा सकते हो। कानून के बाद आप अंबानी और अदानी को बेचोगे, जो रेट वो आपको देना चाहेंगे वो देंगे। अगर आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है, आप बेचोगे, आस्ते आस्ते आपकी जमीन भी चलेगी।
जमीन पे मॉल बनेंगे, फ्लैट्स बनेंगे, और आप बाहर से, क्योंकि आपको अंदर नहीं जाने देंगे, ना आपके बच्चों को, ना आपको अंदर जाने देंगे, ना आप उस फ्लैट को कभी खरीद पाओगे, आप बाहर से देखोगे। ये आपके ऊपर, किसान, खेत मजदूर और जो छोटा छोटा ट्रेडर है, आपके ऊपर ही आक्रमण है, आपको खत्म करने का तरीका है। और ये जो सिस्टम है, फूड प्रोक्योरमेंट का सिस्टम, MSP का सिस्टम, मंडियों का सिस्टम, ये आपका, आपकी रक्षा के लिए बनाया गया है, आपको ये सही रेट देने के लिए बनाया गया है। हम समझते हैं कि ये सिस्टम में कमियां हैं, हमारा पिछला मैनिफेस्टो पढ़िए, उसमें लिखा है कि फूड प्रोक्योरमेंट के सिस्टम में कमियां हैं, MSP के सिस्टम में कमियां हैं। हमारा कहना है सिस्टम में कमियां, सिस्टम को ठीक कीजिए। अगर कम मंडियां हैं तो और मंडियां बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है तो सड़कें बनाइए, मगर अगर आपने सिस्टम को ही खत्म कर दिया तो किसान मर जाएगा, कट जाएगा, पिस जाएगा। ये फर्क है। नरेंद्र मोदी जी किसान को, मजदूर को खत्म कर रहे हैं। मैंने आपको चार उदाहरण दिए और समय होता और दे सकता हूं। हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे हैं। अब देखिए, इतिहास में पहली बार, शायद आज दुनिया में कोई और ऐसा देश नहीं, चाइना ने 1200 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले ली, छीन ली। चाइना हिंदुस्तान के अंदर बैठा हुआ है, उनके सैनिक हमारे देश के अंदर बैठे हुए हैं, हमारी सीमा के अंदर बैठे हैं। उनके सैनिकों ने हमारी 20 सैनिकों की हत्या, मारा गोली से नहीं, पत्थर से, छुरों से, कुल्हाड़ियों से, पत्थर से। और हमारे प्रधानमंत्री देश को कहते हैं कि किसी ने हमारी जमीन नहीं ली। अगर किसी ने हमारी जमीन नहीं ली तो वो 20 लोग शहीद क्यों हुए? क्या वो चाइना में थे? नहीं, वो हिंदुस्तान में थे। हिंदुस्तान में चाइना की सेना आके मारती है और प्रधानमंत्री कहते हैं हमारी जमीन किसी ने नहीं। चाइना ने ये सपना कैसे देखा कि वो हिंदुस्तान के अंदर आके, चाइना ने सपना कैसे देखा कि वो हमारे देश के अंदर आकर 1200 किलोमीटर हमारी जमीन ले। चाइना में इतना दम कहां से आया? मैं आपको बताता हूं। चाइना बाहर से देख रहा है, चाइना को मालूम है कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को कमजोर कर दिया है। चाइना को मालूम है कि कोरोना के समय हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री फेल हो गए हैं। चाइना को मालूम है कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के किसान को कमजोर कर दिया, हिंदुस्तान के मजदूर को कमजोर कर दिया। चाइना जानता है कि नरेंद्र मोदी ने रोजगार गायब कर दिया हिंदुस्तान। मनमोहन सिंह जी के समय 9% ग्रोथ रेट हुआ करता था। मैंने फरवरी में कहा था कि कोरोना से जबरदस्त नुकसान होगा, अर्थव्यवस्था नष्ट होगी, बीजेपी के लोग मेरा मजाक उड़ा रहे। अब जो मैंने फरवरी में कहा वो हो गया, सच्चाई थी। और भैया देखो मैं क्या बोल रहा था, मैंने बोला मैंने बोला था, सुनो। अब जो मनमोहन सिंह जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए ने अर्थव्यवस्था मजबूत की थी, उसको नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया, नाश कर दिया जमा। हमने किसानों को सही MSP दी, सही हम दाम देते थे, हमने मजदूरों की मदद की, मनरेगा दिया, हमने सबको न्याय दिया। और जब हमारी सरकार थी, मैं आपको गारंटी करके बोल रहा हूं
चाइना में इतना दम नहीं था कि वो हमारे देश के अंदर एक कदम डाल। आज देखिए, बात समझिए, दुनिया में एक ही देश है, आज पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसके अंदर कोई और देश की सेना आई, 1200 स्क्वायर किलोमीटर ले गई और गायर प्रधानमंत्री कहता है कि इस देश की जमीन किसी ने नहीं ली। एक ही देश है भैया, पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसकी जमीन हड़पी गई है, हिंदुस्तान। और ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं? प्रधानमंत्री अपने आप को देशभक्त कहता है और पूरा देश जानता है कि चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर, कैसा देशभक्त है ये? मैं आपको बता रहा हूं, हमारी सरकार होती ना, उठा के फेंक देते चाइना को बाहर 15 मिनट नहीं लगते उठा के हमारी वायुसेना उठा के चाइना को 100 किलोमीटर पीछे कर देती। मगर इसमें, इस प्रधानमंत्री में, मैं बता रहा हूं आपको, बात समझो, ये प्रधानमंत्री देश की शक्ति को नहीं समझता, ये किसान की शक्ति को नहीं समझता, ये मजदूरों की शक्ति को नहीं समझता, ये हिंदुस्तान की शक्ति को नहीं समझता। ये प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी इमेज को बचाता है, ये फोटो खिंचवाता है, आपने देखा होगा टनल में भैया, कभी आपने देखा टनल खाली पड़ी हुई, साफ ऐसे कर दिया, मतलब इसको सिर्फ अपनी इमेज से। कभी मोर के साथ बैठेंगे साहब, कभी टनल में ऐसे करेंगे, इनको सिर्फ अपनी जो इमेज है उससे लेना देना। किसान के पास नहीं आएंगे, मजदूर के पास नहीं आएंगे। और मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये प्रधानमंत्री जो है, मैं देख रहा हूँ और आप सब देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री है, ये चाइना 4 महीने पहले अंदर आया, मैं ये देख रहा हूँ ये कितना टाइम लगेगा कि ये चाइना को यहाँ से उधर के बाहर फेंकेगा। मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि जब तक यूपीए की सरकार नहीं आएगी तब तक चाइना अंदर बैठेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन यूपीए की सरकार आ गई उस दिन चाइना को बाहर कर देंगे, फेंक देंगे उठा के हिंदुस्तान की। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी बात मैं कह रहा हूं, देखो आप अपनी शक्ति पहचानो, आप किसानों की, हरियाणा की, पंजाब की, यूपी की शक्ति पहचानो, मजदूरों की शक्ति पहचानो। ये जो कानून बनाए ना, ये नरेंद्र मोदी जो आपके ऊपर ये कानून लगा रहा है, इसकी बस की नहीं है। हम आंदोलन करेंगे, इन कानून को बदल देंगे, और अगर नहीं बदलेंगे तो हमारी सरकार आएगी, हम उसको उठा के फेंक देंगे। धन्यवाद, जय हिंद। राहुल गांधी हमारे प्रदेश में आए, किसान के लिए लड़े, हमें खुशी है। लेकिन हरियाणा प्रदेश के किसान के साथ कांग्रेस की सरकार ने पंजाब के लिए एक बड़ा अन्याय कर रखा है। हमारा SYL का पानी जो है, राहुल गांधी आकर के हरियाणा के किसान के बीच में खड़ा होकर के कहे कि हम किसान को, जहाँ इस प्रदेश के अंदर सरकार के गलत फैसले, सरकार के गलत कानून कायदों की वजह से एक मार पड़ रही है, वहीं हमें पंजाब पानी ना दे करके भी हमें बंजर करने पे मजबूर कर रहा है। इसलिए अगर सही मायने में राहुल गांधी किसान का हितैषी है, तो फिर धरती के अंदर, हरियाणा की धरती में कदम रखते उसको ये बात कहनी चाहिए कि पंजाब में मेरी पार्टी की सरकार है, मैं हरियाणा और पंजाब के किसान के साथ भेदभाव ना हो इसके लिए पंजाब की सरकार से। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।